हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अम्ल और क्षारक की समानताएं, कॉमनालिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं और इसी तरह सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? सभी अम्ल में कुछ समान होना चाहिए जिसके कारण सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं। इसी तरह सभी क्षारकों में कुछ समान होना चाहिए जिसके कारण उनमें भी समान गुणधर्म होते हैं। इस वीडियो में हम इस कुछ की खोज करेंगे जो सभी अम्ल और सभी क्षारकों में समान है। आइए अब हम पहले अम्लों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी सभी अम्लों में क्या समानता है। इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझेंगे। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लें। एक कॉर्क पर दो कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रखें। चित्र के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अब इस प्रक्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि बल्ब फिर से जलने लगता है। इससे पता चलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्लीय विलयन से विद्युत का प्रवाह होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। इस क्रियाकल्प को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराएं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों विलयनों के क्रियाकल्पों में बल्ब नहीं जलता है। दूसरे शब्दों में, ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन विद्युत का चलन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा, अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO-, H2SO4 में SO42- होते हैं। क्योंकि अम्ल में मौजूद धनायन H+ हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो सभी अम्लों में सामान्य बात यह है कि वे विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि क्षारकों में क्या समानता है। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और उन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब जब भी हम इस चर्चा में क्षारक के बारे में बात करेंगे, हम इन जल में घुलनशील क्षारकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों के साथ पिछली क्रियाकल्प को दोहराएंगे।
आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि एक बार फिर बल्ब जलने लगता है। इससे पता चलता है कि बीकर में लिया गया क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। क्षारकीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह क्षार में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करने के लिए जल में घुल जाता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी क्षारकों या क्षार की एक समानता ये है कि वे जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करते हैं। इस वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक की समानताओं commonalities of acids and bases का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम pH के बारे में जानेंगे।